जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की है? अमृतलाल नागर की रचना की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, सुहाग के नूपुर। ये रचना अमृतलाल नागर की है। बात करें ऑप्शन बी की, सुदामा पांडे धूमिल की। तो संसद से सड़क तक ये रचना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि सुदामा पांडे धूमिल की है। बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। यामा गिल्लू मेरा परिवार ये रचना है महादेवी वर्मा की हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। बात करेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग की, तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग अति हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अतिथि का पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भृत्य। ये अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आगंतुक, अभ्यागत और पाहुन ये तीनों ही अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें भृत्य की तो ये नौकर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंचामृत। पंचामृत ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वो द्विगु समास होता है। पंचामृत का अगर समास विग्रह करेंगे तो पाँच अमृतों का समाहार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसमें पूर्वपद संख्यावाची विशेषण है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। बात करें सुग्रीव की तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना ही पूर्वपद और ना ही उत्तरपद और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। दाल रोटी की बात करेंगे तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। दाल रोटी का अगर समास विग्रह करें तो दाल और रोटी, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, दाल भी और रोटी भी, और समास कुल छह प्रकार के होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश बहुत भला लड़का है वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? हिंदी में विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बात हो रही यहाँ पर भला लड़का, यानी कि लड़का कैसा है? भला है। तो लड़की की विशेषता क्या है? भला। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बात करेंगे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परलौकिक। ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। जबकि अनुग्रहित, अंतर्धान और रासायनिक ये तीनों ही शब्द शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा पाँच प्रकार की होती है। बात करेंगे यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये
जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में वह शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं, तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है उसे संकर शब्द कहते हैं। बात करेंगे तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और बिना किसी परिवर्तन के जब उनका प्रयोग हिंदी में होने लगता है तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। बात करें तद्भव शब्द की, जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन के साथ जब उनका प्रयोग हिंदी में होने लगता है तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।